हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो काजू कतली, ये प्योर काजू की काजू कतली नहीं है। ये काजू कतली मैंने मूंगफली यानी कि सिंगदाने और काजू के काजू को मिलाकर बनाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए, तोड़ कर दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट काजू कतली बनी है। और इसमें आपको मूंगफली होने का बिल्कुल एहसास नहीं होगा, क्योंकि काजू का इतना बढ़िया इसमें टेस्ट आया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर काजू कतली के साथ सिंगदाना वाली काजू कतली बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मूंगफली लिए, इनको सो हल्का सा रोस्ट करते हैं ताकि इसके ऊपर का छिलका निकल जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, हर एक मूंगफली के ऊपर ऐसी झुर्रियां पड़ने लगी है। तो अब इसका छिलका निकालते हैं। तो गाइस, यहाँ पर काजू लिया है साफ करके, अब हम इसको पीस कर इसका पाउडर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने काजू पीस कर ले लिया है, इसी तरह हमें मूंगफली को भी पीस कर ले लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने लिए, सिंग दाने, इनको भी साफ करके इनका छिलका निकाल दिया है। इनको भी काजू की तरह पीस कर बारीक कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, ये काजू का पाउडर है और ये मूंगफली का पाउडर, दोनों एक जैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं दोनों को मिलाकर काजू पेड़ा और काजू कतली। 2/3 कप मैंने शक्कर ली है, इसकी चाशनी बनाएंगे। शक्कर डूब जाए उतना पानी। ये पानी ले लिया, चाशनी बनाते हैं। शक्कर यहाँ चाशनी बनकर रेडी हो रही है, कड़क चाशनी लेनी है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। कंटिन्यू चलाते हुए चाशनी को बना ले, कड़क चाशनी, 2 तार की चाशनी तैयार करें। चाशनी रेडी हो गई दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो मूंगफली को और काजू को पीस कर लिया है उसको डाल ऐड करते हैं। और गैस की फ्लेम को कम कर दें और कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर देखिए, काजू और मूंगफली का पेस्ट जो है पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू गाढ़ा होने तक मीडियम आंच पर गाढ़ा करेंगे। अच्छे से चलाते रहे दोस्तों, कढ़ाई छोड़ने तक इसको चलाते रहना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कढ़ाई अच्छी तरह से, हमारा जो पेस्ट है कढ़ाई को छोड़ने लगा है अच्छी तरह से। ये देखिए, चलिए अब हम इसको एक इसकी काजू कतली बनाने की इसको एक बड़े से प्लास्टिक पे, देखिए प्लास्टिक घट वाला प्लास्टिक है, तो ये ठंडा होने के, थोड़ा हल्का ठंडा होता है तभी डालते हैं उस पर, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। पतला वाला प्लास्टिक मैं यूज नहीं करता। अब हमें प्लास्टिक को इस तरह से इसको थोड़ा मालिश करें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और बर्फी बनाने के लिए अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, काजू वाला बैटर अच्छे से सेट हो गया है और अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर एक चकला लिया है, चकले के ऊपर इसकी बड़ी सी परत रोटी तरह बेलेंगे और बाद में इसकी काजू कतली वाली कटिंग करेंगे। अब हम इसको बेलन से अच्छा बेलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने काजू कतली को अच्छे से चार कोने का बना दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके ऊपर पहले चांदी का वर्क लगाते हैं। चांदी का वर्क है, लगाया, दबा दे, अच्छे से चिपक जाएगा। चलिए अब हम इसकी काजू कतली कटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए काजू कतली की कटिंग अच्छे से हो गई। अब हम आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। ये पीस निकालते हैं और आपको दिखाते हैं तोड़ के कि कितना बढ़िया और एकदम सॉफ्ट काजू कतली बनाई है। देखिए मूंगफली सिंगदाने और काजू का मिक्स मिश्रण है, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बना है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी मूंगफली के दानों को साफ करके अच्छे से काजू कतली बना सकते हैं एकदम सस्ते में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काजू कतली बहुत ही अच्छे से आपको बनाने का तरीका बताया है। और ये जो साइड में राउंड राउंड शेप दिख रहे हैं ये है काजू पेड़े, यानी कि जब काजू कतली बनाने के लिए इसका जो परत बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा निकालकर राउंड शेप में पेड़े टीजन में पेड़े बना लीजिए। इसका भी स्वाद बहुत ही बढ़िया और अच्छा रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं काजू कतली बनाई है। मूंगफली और काजू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी काजू कतली बनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को आप अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया और आसान रेसिपी है ये।